हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अभी रिसेंटली एक वीडियो डाली है रोजरी बायोटेक, और इसमें हमने बताया था कि आपके लिए एक और ब्रोकिंग स्टॉक से लेके मैं आप आने वाला हूँ और आपको बताऊंगा एक और दिग्गज ब्रोकिंग स्टॉक, तो उसी से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। अगर हम देखिए हमने 3-4 दिन में इतने बेहतरीन बेहतरीन ब्रोकिंग स्टॉक से रिलेटेड बातें करी है कि यहाँ पर एक ब्रोकिंग स्टॉक ICICI सिक्योरिटीज हो गया, एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर एक हो गया ब्रोकिंग स्टॉक, इससे पहले हमने एक और ब्रोकिंग स्टॉक से रिलेटेड बातें करी थी। तो ऐसे ब्रोकिंग स्टॉक से रिलेटेड हम डेली बात कर रहे हैं और यहाँ पर अगर बात करें और इसी तरीके से एक और ब्रोकिंग स्टॉक आपके लिए लेके आए हैं, तो उसमें एक अच्छा खासा आपको टारगेट नजर आ रहा है, अच्छा खासा सब चीज नजर आ रही है, बेहतरीन नंबर्स है, सब चीज अच्छे है और उसी से रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट में, क्लिक करें फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को गो थ्रू करिए, जाइए यहाँ पर आपको सीखने के लिए काफी सारी चीजें मिलेगी। यहाँ पर देखिए आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है टीम। इसके अलावा हम बात करें तो और भी बहुत सारी वीडियोज है डेली बेसिस पे आती है। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे और डेली बेसिस आप यहाँ पर सीखते रहे। तो जिस शेयर से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं उसका अगर हम बात करें तो उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए लिप्टोराम फाइनेंशियल सर्विसेज, बट इनका जो बिजनेस है वो ब्रोकिंग फर्म का भी है और यहाँ पर और भी किस चीज में काम करती हुई नजर आती है, तो उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। बट यहाँ पर कुछ चीज पढ़ लेते हैं। तो देखिए 1987 पे यहाँ पर फाउंड हुई थी एज अ स्मॉल सब ब्रोकिंग यूनिट, ओके, छोटी सब ब्रोकिंग यूनिट के तौर पे विद जस्ट 2 पीपल रनिंग द शो। अगर बात करें दो ही लोग यहाँ पर इस चीज को चला रहे थे, जो कि अगर हम बात करें रामदेव अग्रवाल साहब जो कि आज 2000 करोड़ के मालिक है, इसके अलावा इनके मोतीलाल ओसवाल के एक और को फाउंडर थे जो ओसवाल, मिस्टर ओसवाल। अगर बात करें वेल डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज में यह कंपनी काम करती है। द कंपनी हैज अ नेटवर्क स्प्रेड ओवर 550 सिटीज, मतलब 550 सिटीज में है, एंड टाउन्स कंपेयरिंग मतलब 2500 यहाँ पर टाउन्स में है। बिजनेस लोकेटेड ऑपरेटिव बाय आवर बिजनेस पार्टनर एंड अस एंड 16 लाख कस्टमर, मतलब 16 लाख प्लस यहाँ पर इनके कस्टमर भी है। तो यहाँ पर कस्टमर बताना क्या मतलब क्या है, कस्टमर बताने का मतलब ये है कि जितने कस्टमर इनके बढ़ेंगे, ओके, ये अभी तक एडिट नहीं हुआ है मेरी ख्याल से, और भी ज्यादा कस्टमर बढ़ते हुए नजर आएंगे यहाँ पर। और जब जितने कस्टमर यहाँ पर बढ़ेंगे उतनी यहाँ पर इनकी ब्रोकरेज आएगी, और जितनी ब्रोकरेज आएगी उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे, और जितने अच्छे रिजल्ट आएंगे उतने अच्छा इनका शेयर प्राइस भी जाएगा। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेट करती है। अगर बात करें 3% मार्केट शेयर इन कैपिटल मार्केट, मतलब पूरी जितनी मार्केट है उसका 3% इनके पास है, एंड मार्केट शेयर ऑफ द कैपिटल मार्केट इम्प्रूव्ड बाय 80 BPS अगर बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस 3.1 यहाँ पर इनका होता हुआ नजर आया। स्टेबल मार्केट शेयर ऑफ 1.9 इन म्यूचुअल फंड इक्विटी AUMs में, अगर बात करें यहाँ पर 1.9% की यहाँ पर इनकी म्यूचुअल फंड इक्विटी में भी मार्केट शेयर है। ब्रोकिंग अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें AUM की, तो यहाँ पर देखिए ब्रोकिंग 11,100 करोड़ रुपए का यहाँ पर ब्रोकिंग फर्म से। AMC की बात करें जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 38,600 करोड़। वेल्थ मैनेजमेंट में 20,000 करोड़। प्राइवेट इक्विटी एंड रियल इस्टेट में 6,500 करोड़। तो यहाँ पर ये कंपनी होम फाइनेंसिंग में भी कंपनी काम करती है नजर आती है, तो रियल इस्टेट में कंपनी काम करती है। इंक्रीजिंग क्लाइंट बेस, मतलब इनका जो क्लाइंट बेस है वो डेली वाइज यहाँ पर बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। और जैसे कि हम यहाँ पर बात कर चुके हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस की, ये कंपनी क्या क्या काम करती है यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये कंपनी क्या करती है, फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड में, ब्रोकिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, एसेट मैनेजमेंट में, प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट में, इन्वेस्टिंग बैंकिंग में है, प्राइवेट इक्विटी में है, यहाँ बात करें इंस्टीट्यूशन इक्विटी में, और बात है होम फाइनेंसिंग में भी है, मतलब ये जो कोई घर लेता है वहाँ पर उनको होम फाइनेंस भी करती हुई नजर आती है। तो ये अच्छा खासा इनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कह सकते हो, या डाइवर्सिफाइड बिजनेस में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो अगर हम इसी बेस पे अगर हम बात करें तो इसे बताने का मतलब क्या था, इससे बिजनेस के आपको पता चल जाएगा कंपनी करती क्या है, क्योंकि इसके बेस पे हम बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। जैसे कि अगर देखें यहाँ पर देखिए लोगों को लगेगा डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पर 1.28 का, मतलब 128% का, अगर हम देखें तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये होम फाइनेंस में काम करती है, तो इनका काम फाइनेंस देना भी है, लोन देना भी है, तो यहाँ पर इसे बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये चीज मैं हमेशा आपको जब भी फाइनेंस की कोई भी कंपनी से लेके हम बातें करते हैं तो हम यहाँ पर आपको बताते भी है, तो इसलिए यहाँ पर इसे नेगलेक्ट कर देना। अगर बात करें मार्केट कैप की तो 16,509 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है स्मॉल कैप कंपनी है। ROCE 22% यहाँ पर ROCE है,
और अगर हम बात करें यहाँ पर इंट्रेंसिक वैल्यू की, तो 1805 रुपए का यहाँ पर इंट्रेंसिक वैल्यू दिखा रहा है। समझ रहे हैं, इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होती है? वो रियल वैल्यू होती है जो इस पे शेयर को एक्चुअली ट्रेड करना चाहिए, बट उससे यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर अंडर परफॉर्म कर रही है। तो अगर हम यहाँ पर और भी कुछ चीज बात करें इस कंपनी की, यहाँ पर देखिए सेल्स, और यहाँ पर जब भी सेल्स इंक्रीजिंग मैनर में हो, पहली बात तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हो, और यहाँ पर पिछले 2 या 3 क्वार्टर की जो परफॉर्मेंस है वो हाईएस्ट एवर आनी शुरू हो जाए, तो समझ लेना कंपनी अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। और सेल्स की बात कर 603 करोड़ की सेल्स आज 1141 करोड़ की सेल्स में हो गए पिछले 12 क्वार्टर में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर हाईएस्ट एवर है, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 448 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है ईयर ऑन सॉरी क्वार्टर बेसिस पे। तो ये सारी चीजें बता रही है कि कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, तो देखिए सेल्स यहाँ पर देखिए यहाँ पर ईयरली बेसिस पे पिछले 10 साल से ही बात करें 645 करोड़ की सेल्स यहाँ 3626 करोड़ की सेल्स में तब्दील हो गई है, जो कि हाईएस्ट एवर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस वो भी हाईएस्ट एवर है, और 1245 करोड़ रुपए का यहाँ पर 170 करोड़ से यहाँ पर, और नेट प्रॉफिट भी बदल गया है जो कि हाईएस्ट एवर है। और जहाँ पर हाईएस्ट एवर नंबर आने शुरू हो गए हैं, जहाँ पर हाईएस्ट एवर नंबर आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपको बताती है कि कंपनी कितनी ज्यादा प्रॉमिसिंग है, कंपनी को बिजनेस करना आता ही है। और यहाँ पर बड़े दिक्कत जो हमारे शेयर बाजार के अगर बात करें चुनिंदा लोगों में से अगर बात करें जिन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया है, रामदेव अग्रवाल उनकी कंपनी है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर क्रश और बढ़ जाता है। यहाँ पर बात करें अगर यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस देखते हैं, अगर बैलेंस शीट की बात करते हैं, तो रिजर्व देखिए 4418 करोड़ का यहाँ पर रिजर्व से बोरिंग की हम बात करेंगे, यानी क्योंकि होम फाइनेंस में है। अगर हम यहाँ पर बात करें और भी कुछ चीजों की, इन्वेस्टमेंट देखिए 3922 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। अगर देखिए कैश इक्विवेलेंट की, तो 3497 करोड़ का यहाँ पर कैश भी है, ट्रेड रिसीवेबल अच्छा खासा है, तो कंपनी के पास सब चीज यहाँ पर अच्छी खासी है। इसके जो भी पैसा आता है इनकी बुक वैल्यू में दिखाई देता है, यहाँ पर देखिए 929 करोड़ रुपए का यहाँ पर कैश इनके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी से है, और अच्छा खासा यहाँ पर आरओसी यहाँ पर 22% का हो गया। क्यों हो गया है? क्योंकि अब जो ब्रोकिंग नए नए यहाँ पर कस्टमर क्लाइंट यहाँ पर ब्रोकिंग फर्म के साथ जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये चीज और बढ़नी ही है, इस चीज आप देखना। और जितना अच्छा कोई भी ब्रोकिंग फर्म यहाँ पर अपने क्लाइंट बनाएगी, जितनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, क्योंकि देखिए इस सेक्टर में यहाँ पर कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि एंटेल ब्रोकिंग है फिर सबसे बड़ा यहाँ पर ज़ेरोधा है, इसके बाद बात करें एसएमसी ग्लोबल है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी है, एचडीएफसी सिक्योरिटी है, एक्सिस सिक्योरिटी है, जो कि हमें मार्केट में लिस्ट होती है ये दिखाई देती है, बट स्टिल दे आर एग्जिस्टिंग इन द मार्केट। अगर हम यहाँ पर बात करें तो उसमें से एक दिग्गज ये भी है मोतीलाल ओसवाल, जो कि एक बड़ा नाम है। तो इन्हीं बड़े हम चीजों में हमका ध्यान रख के अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करके अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर कम हो जाता है। अगर बात करें यहाँ पर और भी कुछ चीजों की, देखिए इन्होंने अपनी हिस्सेदारी कंटिन्यूसली यहाँ पर थोड़ी 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 करके यहाँ पर 69.57, 76 करी, फिर 80 करी, फिर 70.32 करी, फिर 70.49 करी, फिर 70.66, पर हर क्वार्टर में थोड़ी बहुत हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर ये बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है। यहाँ पर एफआईआई बढ़ा रहे हैं, डीआईज की बात करें डीआईज यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी हिस्सेदारी थोड़ी थोड़ी कम होती है। किसकी कम हो रही है? ये कम हो रही है पब्लिक की। यहाँ पर अगर बात करें 15% के आसपास की शेयर यहाँ पर पब्लिक के पास है, उसमें से अगर बात करें 6% के शेयर यहाँ इन दोनों लोगों के पास है, नवीन अग्रवाल एज वेल एज रजत राजगरिया, तो यहाँ पर 6% घटा देते, पब्लिक के पास केवल 9% की हिस्सेदारी नजर आती है। तो इस चीज को आपको समझना होगा, यहाँ पर पब्लिक की हिस्सेदारी कम होती हुई नजर आए और एफआईआई डीआई को प्रमोटर बढ़ाते हुए दिखाई दे, तो समझ जाना यहाँ पर कुछ ना कुछ कंपनी को प्रमोटर्स को दिख रहा है कि कंपनी कितनी ज्यादा प्रॉमिसिंग है। इसके अलावा हम और भी कुछ चीजों की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का एक बार हम चार्ट पैटर्न निकाल देते हैं। तो एक यहाँ पर हम देखेंगे तो अच्छा खासा है यहाँ पर ये शेयर ऑलरेडी ऑल टाइम हाई तो नहीं कहेंगे, पर 52 वीक हाई पर ये शेयर चल रहा है, बट इसका ऑल टाइम हाई अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ऑल टाइम हाई यहाँ पर कब क्या नजर आता है, तो इसका ऑल टाइम हाई हमें यहाँ पर नजर आता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये शेयर 1540-1580 रुपए के आसपास ये शेयर यहाँ पर जाता हुआ नजर आता है, यहाँ पर देख सकते हो। बट इसके हिसाब से अगर हम टारगेट बनाए तो देखिए एंजल ब्रोकिंग के अभी नतीजे आए थे, तो एंजल ब्रोकिंग ने अच्छा खासा परफॉर्म किया, और उसके बाद से अगर बात करें तो 25% तक दो दिन के दो ट्रेडिंग सेशन में यहाँ भाग चुका है। तो सबसे पहला टारगेट तो अपना यहाँ पर ही रखना है हमें 46% का, जो कि हमें यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है विद इन अ मंथ, विद इन अ 6 मंथ और 1 साल में भी गया तो कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छे रिटर्न है। बट उससे पहले ही यहाँ पर इसे अचीव कर रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी है उस तरीके से यहाँ पर अचीव भी कर रही है। यहाँ पर देखेंगे वॉल्यूम यहाँ पर हाईएस्ट एवर यहाँ पर वॉल्यूम आना शुरू हो गया है। और अगर हम यहाँ पर टारगेट की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर टारगेट अलग अलग यहाँ पर टारगेट बनते हुए नजर आ रहे थे। अगर हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर पहले टारगेट के हिसाब से, तो
यहाँ पर देखिए इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर बात करें यहाँ सपोर्ट लिया, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो एक कप फिर हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर एक कप बना, फिर इसके बाद ये हैंडल बना और इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और यहाँ से ब्रेकआउट से सीधे ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, जिसके हिसाब से अगर टारगेट हम देखें कि कितना टारगेट नजर आ रहा है, तो उसके हिसाब से हमारे जो टारगेट नजर आ रहे हैं काके लगा देते हैं यहाँ पर ऊपर। देखिए इसके जो टारगेट नजर आ रहे हैं वो भी जो अभी रीजेंट यहाँ पर चल रहा है उससे ऊपर ही है, लगभग 1300 रुपए के आसपास। तो 1300 रुपए के आसपास तो ये शेयर यहाँ से जाएगा ही, और ये कितने परसेंट बनता है अभी अगर हम यहाँ पर रीजेंट देखें तो देखिए इनके नंबर आने वाले, ओके जब एक बार इनके रिजल्ट आ जाएंगे तो ये शेयर ऑब्वियसली बात है अच्छे रिजल्ट आने ही है, और अच्छे रिजल्ट आएंगे तो यहाँ पर 20% तो तुरंत ही यहाँ पर अचीव करेगा, जैसे कि यहाँ पर सर्किट लगी रहे, उसके बाद ये शेयर और ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। एंजल ब्रोकिंग और ये कॉम्पिटिशन कर रहे थे अभी 10,000 के आसपास, तो एंजल ब्रोकिंग यहाँ पर बाजी मार गया एक तरीके से, यहाँ पर ये कहना भी गलत नहीं रहेगा। तो यहाँ पर दोबारा एक टारगेट इसके हिसाब से भी देखे तो यहाँ पर देखिए एक छोटा टारगेट तो ये है, उसके अलावा यहाँ पर देखिए ये शेयर थोड़ा सा यहाँ पर नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, थोड़ा सा और नीचे चले जाता है तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दोबारा बनेगी। यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया जो कि इसका पहले भी एक बार सपोर्ट था जो कि यहाँ पर था, फिर दोबारा यहाँ पर इस तरीके का कब हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा अगर यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाता है, और फिर उसके हिसाब से अगर टारगेट देखेंगे तो उसके हिसाब से टारगेट और बेहतरीन टारगेट नजर आएंगे, और वो कितने टारगेट नजर आएंगे वो नजर आएंगे जो इसका अभी दिखा रहा है। यहाँ से हम लेके यहाँ पर देखते हैं तो देखिए लगभग इतना ही टारगेट जो इसका ऑल टाइम हाई है यहाँ तक, तो ऑल टाइम हाई के लिए भी यहाँ पर रखिए 46% का दिखा रहा है, 6 मंथ के अंदर अंदर मेरे हिसाब से यहाँ पर अचीव हो जाना चाहिए। बट बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी करके ही आपको लेना है, यहाँ पर सारे फाइनेंशियल्स यहाँ पर समझा दिए गए हैं, कंपनी करती क्या वो बता दिया है, सब चीज हमारे फेवर में है, और कंपनी यहाँ पर थोड़ा सा गिरती हुई नजर आती है और हमें मिलता है यहाँ पर शेयर गिरा हुआ थोड़ा सा और नीचे आता हुआ, तो यहाँ पर इन शेयरों को खरीद लेना है, यहाँ पर सोचने की जरूरत ही नहीं है, अच्छे खासे यहाँ पर रिजल्ट पेश होने हैं, और नए नए कस्टमर्स यहाँ पर लोग यहाँ पर शेयर बाजार में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये शेयर सारे के सारे इन्हीं दिग्गज कंपनी के साथ जुड़ते हुए दिखाई देंगे जो कि अच्छी खासी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं और आपको शेयर भी बताते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए और हमारे चैनल इन्वेस्ट फोरम को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।